नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने। ये लखनऊ से बड़ी जानकारी, यूपी में बड़े पैमाने पर फेरबदल हुआ है। आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, 84 आईपीएस अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। यूपी में बड़े पैमाने पर फेरबदल देखा गया है, आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है यहाँ पर। तो वहीं आपको बता दें कि 84 आईपीएस अधिकारी का यहाँ पर तबादला किया गया है। ये राजधानी लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तो लखनऊ में तबादला एक्सप्रेस एक बार फिर से चला है। यूपी में बड़े पैमाने पर फेरबदल देखा गया है, 84 अधिकारियों का यहां पर फेरबदल किया गया है। आईपीएस अधिकारी का तबादला हुआ है, 84 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर देखा गया है यूपी में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है, ऐसे में सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रज्ञा पांडे ने। इस रिपोर्ट को देखिए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सुभाजपा के राज्य अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी। सर, आपके सर पर ताज कब सजेगा? दारा सिंह चौहान के ऊपर तो सजने वाला है, शपथ लेने जा रहे हो। जल्दी हो जाएगा, करो साथ है होगा, जल्दी होगा। सर, राज्यसभा चुनाव की 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, 7 भाजपा की है, 3 सपा की है, 8वीं में जीतने के लिए आप क्या प्रयास करना चाहेंगे? देखिए, हम एनडीए में हैं, हम एनडीए के साथ ही उसको भी जीतेंगे। सर, ये जैसा कि आपको पलटू राम बताया जा रहा है, सपा के कार्यालय के बाहर होल्डिंग लगाई जा रही है, आप को क्यों टारगेट किया जा रहा है? हम धन्यवाद देते हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को और बधाई भी देता हूं कि एक नहीं हजारों पोस्टर आप लगाओ और लगा करके उस पोस्टर में 2 लाइन और लिखो कि ओम प्रकाश राजभर पलटू राम 3 बार पलटे हैं और समाजवादी पार्टी 9 बार पलटी मारी है। तो ओम प्रकाश राजभर के चाचा निकले समाजवादी पार्टी के लोग, ये उनको लिखना चाहिए उस पोस्टर पे। लड़ाई वहां पोस्टर की नहीं है, सवाल वहां इस बात का है कि ओम प्रकाश राजभर जो समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा, मुसलमानों का हक लूटा, उस बात को बोल रहा है। वो लूटने की बात करते हैं, हम हक दिलाने की बात करते हैं, तो ये पीड़ा उनको है। कल तक वो अकेले इकलौते पिछड़ों के नेता बन के रहे, अब ओम प्रकाश राजभर भी उनके पैरलर खड़ा हो गया है, इस नाते समाजवादी पार्टी के लोगों को चीड़ भर रही है। सर, राजनीति के पीछे सत्ता की मलाई कौन खाना चाह रहा है? देखिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए ही ना लोग समझौता करते हैं भाई। देखिए, पहले था कि लोग राजनीति करते थे, अब तो अवसरवादिता हो गई है। सपा को अभी मौका मिले तो बीजेपी से समझौता कर लेंगे, बसपा को अभी सत्ता मिले तो किया ही है बीजेपी से गठबंधन। तो ये खेल जो चल रहा है वो सत्ता पाने के लिए समझौते होते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि बीजेपी जो है मंदिर के आन में राजनीति कर रही है, अब वो मंदिर के रास्ते जरिए अपने लोगों के दिल में अपना वोट लेने के लिए रास्ता बना रही है, इस पर क्या? नहीं, देखिए, विपक्ष का आरोप निराधार है। यदि कांग्रेस की सरकार होती तो कोर्ट ने जो आदेश दिया तो वो काम कांग्रेस करती, सपा की सरकार होती तो सपा करती, बसपा की सरकार होती तो बसपा करती। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो एनडीए के लोग कर रहे हैं। तो उन लोगों को लग रहा है कि ये इसका राजनीतिकरण हो रहा है। मैं तो था वहां 22 तारीख को, एक शब्द भी वहां राजनीति की बात नहीं हुई। जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में एक भी शब्द राजनीति नहीं हुई, जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को वहां बताया गया। तो अब उनका भय अपना वो करें, हमारा है अपना काम करें। सर, आपको क्या लगता है कि अब जो जैसे कि विपक्ष का कहना है कि मंदिर निर्माण से राष्ट्र निर्माण नहीं कर पाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी सहित जो भी विपक्ष के नेता हैं, अब वो हताशा और निराशा बोल रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले कोई देश की राजनीति में प्रधानमंत्री के 24 के चेहरे के लिए है नहीं। आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी
मुख्यमंत्री हैं 7 साल, एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लग रहा है, आज कानून का राज है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लोग गुंडों का राज कहते थे, तो आज जनता को कानून का राज दिख रहा है, उनको राहत महसूस हो रही है, जो सरकार की गरीबों के विकास की योजनाएं हैं गरीबों तक पहुंच रही है, इस बात को लेकर विपक्ष परेशान है। सर जैसे कि अब कहा जा रहा है कि विकास विकास नहीं हो रहा है, लेकिन विकास कहीं ना कहीं हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनको दिखाई नहीं दे रहा है, उनके चश्मे की पावर कम हो गए हैं। किसान सम्मान निधि सीधे खाते में जा रही है, तो जो सपा बसपा कांग्रेस की रिजिंग में लूट लेते थे बीच में बिचौलिए, तो अब तो वो बिचौलिए लूट नहीं रहे हैं, तो वो तो परेशान होंगे। 5 लाख का गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बन रहा है, ये उनको दिखाई देगा नहीं। जो कल तक गरीबों के बैंक में खाते नहीं खुल रहे थे, आज करोड़ों लोगों के खाते बैंक में खुल गए, बैंक में लोगों का आना जाना शुरू हो गया। जो चूल्हे पर घर में खाना बनाती थी हमारी माताएं बहने, आज उनके दरवाजे गैस सिलेंडर पहुंचा दिया गया, ये उनको दिखाई नहीं दे रहा है। आज आप उठा के देखिए, चले जाइए बनारस, आप लखनऊ से बलिया सुल्तानपुर गाजीपुर आजमगढ़ मऊ किसी से पूछिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है ना, ये दिखाई उनको नहीं देगा कि ये बना है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लोक राजनीति में लागू हुआ, ये उनको नहीं दिखाई दे रहा है। सपा बसपा कांग्रेस तमाम दलों की मिलजुल के सरकार थी दिल्ली में, नहीं कर पाए, लेकिन एनडीए की सरकार ने कर दिखाया कि 33% लोकसभा राज्यसभा से पास कर दिया, 5 साल के अंदर वो लागू होने जा रहा है, ये उनको नहीं दिखाई देगा। जो आईटी में एडमिशन पिछड़े वर्ग का नहीं होता था, रिजर्वेशन नहीं था, वो लागू हो गया, ये उनको नहीं दिखाई देगा। तो चूंकि उनको सिर्फ विरोध करना है, तो विरोध के सिवा तो उनके पास कुछ है नहीं, तो का दिखाई देगा उनको। सर ये 2024 के चुनाव किस नजरिए से देखते हैं? लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है, ममता जी ने साफ कर दिया गठबंधन नहीं रहेगा बंगाल, पंजाब में मना कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश जी एनडीए में आ गए, अखिलेश जी छटपटा रहे हैं अकेले लड़ने के लिए, तो सब लोग मोदी जी का मदद कर रहे हैं। सर ये विकास के रास्ते के लिए आप क्या करेंगे जब आप मंत्री बन जाएंगे, या आगे आप पिछलों को आप जो उनके न्याय के लिए बात कर रहे हैं, विकास के लिए आप क्या करेंगे? देखिए जो योजनाएं समाज के हित के लिए बनेगी वो धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। मैं प्रज्ञा पांडे कैमरामैन आशीष के साथ जनता टीवी लखनऊ। सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने सबसे बड़ा पलटू राम बताया है। उन्होंने कहा है कि 8 दलों से गठबंधन करके पलटने वाले अपने गिरेबान में झांके। अरुण राजभर ने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और उनके नेता ओम प्रकाश राजभर से डरे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के एनडीए के साथ आने पर इंडिया गठबंधन का द एंड हो गया है। एक बड़ी जानकारी आ रही है, उसे आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी वाराणसी से आ रही है। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई पूरी हो गई है, वाराणसी अदालत में सुनवाई हुई है, पूजा के अधिकार की मांग पर सुनवाई की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी है। मामले में कल ये फैसला सुनाया जाएगा कोर्ट की ओर से। 25 सितंबर को दाखिल हुई थी याचिका और अब इस पर सुनवाई। एक फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल का बजट पेश करने वाली है। इस बजट से हर वर्ग राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे में कानपुर देहात से हमारे संवाददाता आरती त्रिपाठी की ये रिपोर्ट देखिए। यूनियन बजट 2024 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है। इसको पेश करने वाली हैं हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी।
आपको बता दें कि लगातार छठवीं बार ये आम बजट वो पेश कर रही हैं और मोदी सरकार के कार्यकाल का दूसरे कार्यकाल का ये उनका अंतरिम बजट होगा। ऐसे में स्वाभाविक है कि सभी वर्गों में इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्साह है और सबकी बहुत ही ज़्यादा अपेक्षाएं भी हैं। आइए अब हम आम जनता से कुछ बात करते हैं कि उनकी क्या अपेक्षाएँ हैं इस बजट से। जी, आपका नाम क्या है? शिवकंत मान पांडे, एडवोकेट। जी, आप एडवोकेट हैं? जी। ये बताइए कि इस समय जो ये 2024 का बजट पेश होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जनमानस को राहत देने वाला ये बजट होगा? ये चूंकि चुनावी बजट, चुनाव का आखिरी बजट है, छठवां बजट है, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो पेश किया गया छठवां बजट है। इसके पहले मुरारजी देसाई जी ने किया था और इसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री जी कि जनता को राहत मिले। अच्छा, आपका कहना है कि मोदी जी जनता को राहत दिलाने का कार्य करेंगे। चलिए, हमारे साथ एक महिला जुड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है मैम? मैं देविका मुखर्जी। आप क्या करती हैं? मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ। आप एक वर्किंग लेडी हैं और ये बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है 2024 का क्योंकि ये लोकसभा चुनाव का साल है, तो मतदाताओं को लुभाने के लिए और अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए क्या आपको लगता है कि सरकार एक ऐसा बजट लाएगी कि जिससे कि उनका वोट बैंक भी सधे और आम जनता को राहत मिले? देखिए, अगर आप इसकी बात करते हैं, आम बजट की बात करते हैं, तो आम बजट तो हमेशा आती जाती है और जो इस बार भी आएगी हम लोग उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। और हमें लगता है कि जब भी ये बजट आया है, कभी ये ऊपर हुआ है, कभी ये नीचे हुआ है, लेकिन हम लोगों ने उसको हमेशा खुशी दिल से एक्सेप्ट किया है और इस बार भी उसको एक्सेप्ट करेंगे। और क्योंकि हम एक बिजनेस वुमन हैं तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोगों का GST वगैरह होता है उसमें राहत की तो हम अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा और क्लियर वे में हम लोग को बताया जाए कि आप किस चीज में कितना GST ले सकते हैं और अगर कम से कम हो सके तो बिल्कुल हमको उसकी खुशी होगी। जी, एक ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बजट को लेकर की बहुत सारी क्लेरिफिकेशंस नहीं रहती हैं, तो एक सरकार से उम्मीद की जानी चाहिए कि थोड़े टैक्स जो भी हो तो उनको सिंप्लीफाई वे में करने की कोशिश करें। हमारे साथ एक और महिला जुड़ चुकी है, आपका नाम क्या है? प्रचा जैन। आप क्या करती हैं? मैं एक गृहिणी हूँ, मैं एक घर चलाती हूँ। जी, बजट में सबसे ज्यादा अपेक्षाएं गृहिणियों को होती है और आप ये 2024 का जो बजट आ रहा है, आपको लगता है कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला जी जब अपना बजट पेश करेंगी तो उसमें महिलाओं के लिए कुछ वो घोषणा कर सकती हैं जबकि महंगाई अपने चरम पे है इस समय? जी बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें लेके आएंगी और मैं बिल्कुल ऐसा चाहूंगी कि ऐसा बजट हो जो मेरे घर को चलाने में मुझे मदद कर सके और मेरा खर्चा भी कम हो। मतलब जनता की अपेक्षा है कि महंगाई को कम करने वाला बजट पेश हो। इस बजट को लेकर युवाओं में भी बहुत ही ज्यादा उत्साह है, तो हम जानेंगे हमारे एक युवा जन से की क्या उनकी अपेक्षाएं हैं इस बजट को लेके। आपका नाम क्या है? अंकुर त्रिपाठी। अंकुर जी, ये बताइए कि सेक्शन 80C को लेकर एक ये सबको आम जनमानस को है कि इसकी लिमिट बढ़ाई जाए, तो आपका क्या कहना है कि ये कुछ इसमें कुछ संशोधन होगा? देखिए, सरकार हमेशा 80C को लेकर जागरूक रही है, हमेशा उसमें परिवर्तन किया है जिससे जनता को हर हालत में सहूलियत मिलती जाए। तो इस बार मेरा मानना है कि 80C के एग्जम्पशंस जो हैं उनको लगभग ख़त्म कर 10 लाख की सैलरी या 10 लाख की जिनकी आय है, मेरी उम्मीद है कि 10 लाख की आय को ही टैक्स फ्री कर देना चाहिए। अच्छा, सीमा बढ़ाकर 10 लाख की करने की मंशा है जनमानस की। आइए, एक महिला और जुड़ चुकी है हमारे साथ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फौजिया खानम है। आप क्या करती हैं? मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ और जैसा कि अंकुर जी ने कहा कि 10 लाख पे छूट मिलनी चाहिए, यही मेरा भी कहना है, कितना बढ़ाकर कर देना चाहिए। वर्षों से जनमानस भारी टैक्स के तले दबा हुआ है और ये बजट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी साल है, तो आपको लगता है कि इस चुनावी साल में कुछ ऐसा होगा कि जनता को राहत मिलेगी? होना तो चाहिए कि जनता को राहत मिले, हमेशा से ऐसा होता भी आया है, राहत भी मिली है लोगों को, तो ऐसा होना चाहिए, मेरा ये मानना है। टैक्सेस में छूट मिलनी चाहिए। इस बजट को लेकर
आम वर्ग और किसानों को बहुत ही ज्यादा उम्मीद है। तो हमारे साथ कुछ हमारे पीछे सहयोगी खड़े हैं। आपका क्या नाम है? प्रदीप रावत। आप क्या करते हैं? मैं सिलाई का काम करता हूँ। तो आप बताइए कि आपका जो आय वर्ग है उसमें आप कैसे बजट की उम्मीद करते हैं? मैम, मैं तो बजट यही चाहता हूँ कि घर तो चल जाता है पर एजुकेशन ना बहुत महंगी हो रही है, तो सरकार को एजुकेशन पे और अस्पतालों में छूट देनी चाहिए। तो उसके लिए मोदी जी से यही हम अपेक्षा करते हैं कि वो उस पर कुछ ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि उसकी वजह से ही हमारा जो देश का युवा है, अगर जब तक उसको शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी जब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए शिक्षा पे बजट अच्छा होना चाहिए और अस्पतालों में होना चाहिए, बस यही चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आम बजट में शिक्षा और अस्पताल की बात की गई है जनमानस के द्वारा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट पेश किया जाएगा और सभी जनमानस को उसका इंतजार है कि वो बजट पेश होगा। अब ये देखना होगा कि उनके पिटारे से क्या क्या राहतें निकलेंगी, ये तो समय ही बताएगा। हनुमंत सिंह के साथ जनता टीवी से आरती त्रिपाठी, कानपुर। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। आगरा में बीच सड़क पर 2 गुटों के बीच मारपीट, वीडियो हुआ वायरल, बीच बचाव करने वालों से भी मारपीट का आरोप। झांसी में पेड़ से लटका मिला 19 वर्षीय युवक का शव, मृतक के पिता ने गांव में कुछ लड़कों पर लगाए आरोप, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। बांदा में अधिवक्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन, जिला के जज और एसपी के खिलाफ किया विरोध। कानपुर में युवक ने की आत्महत्या, नौकरी छूट जाने के बाद से परेशान था युवक, 2 बेटियों के साथ रहता था युवक। बलिया में अपनी ही सरकार में पुलिस प्रताड़न के लगाए आरोप, फर्जी मुकदमा में अधिवक्ता को फंसाकर भेजा जेल, पूर्व मंत्री ने पत्र लिखकर शासन को कराया अवगत। महोबा में व्यापारी अजय कांत हत्या मामले में सपा का प्रदर्शन, हत्यारों की गिरफ्तारी की उठाई मांग, जल्द खुलासा न होने पर प्रदर्शन की सपा ने दी चेतावनी। इटावा में झोपड़ी और घर के छप्पर में लगी आग, भीषण आग में जला बकरी का मेमना, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बुझाया। फरुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद, युवक के साथ मामूली विवाद पर बिल्टू से की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। मैनपुरी में अवैध कच्ची शराब को किया नष्ट, एसडीएम को और सीओसीटी की मौजूदगी में हुआ शराब का विनष्टीकरण। झांसी में पत्नी ने की पति की हत्या, पति को पत्नी पर था तांत्रिक विद्या करने की आशंका, पुलिस ने 2 हत्यारोपियों को किया गिरफ्तार। तो फतेहपुर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। इंडिया अलायंस पर साध्वी का निशाना देखा क्या है, साध्वी निरंजन ज्योति ने निशाना साधा है, ये बड़ी जानकारी। चुनाव से पहले ही टूट जाएगा गठबंधन, ये साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है, ये बड़ी और अहम जानकारी। मैदान में अलग गठबंधन के नेता अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं सभी नेता, नीतीश जी का एनडीए में स्वागत है। इंडिया गठबंधन अभी 24 आते आते बिल्कुल टूट जाएगा जब तक टिकट घोषित होंगे, क्योंकि ममता एक तरफ अलग चुनाव लड़ रही है, केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं, अखिलेश अलग लड़ रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन का मतलब ठगबंधन है, परिवार को बचाने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार जी है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, अब उनके जाने का कारण क्या रहा मैं तो अभी नहीं बता सकती हूँ, लेकिन सही समय पर उन्होंने फैसला लिया, देश के हित में फैसला लिया और बिहार के हित में, क्योंकि बिहार में जिस तरह से मुलायम सिंह जी के समय, लालू के समय गुंडागर्दी थी, वैसे ही गुंडागर्दी बिहार में उनके बच्चों के कारण, उनके लड़कों के कारण हो रही थी। तो शायद मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार जी, क्योंकि सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, मैं क्योंकि बिहार में अभी मेरा 4 लोकसभाएं बिहार में भी दी गई थी, वहाँ भी मेरा दौड़ा रहा, तो बहुत सारे राशन में अन्य चीज़ों में घोटाले हो रहे थे। तो ये तो सही बात है कि बिहार का विकास, जैसे उत्तर प्रदेश का योगी जी पारदर्शिता से काम कर रहे, वहाँ भी अब मुझे लग रहा है पारदर्शिता से काम होगा। जो लालू राज था उसको नीतीश जी ने खत्म किया था, फिर शुरू हो गया था, स्वागत करते हैं। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने, कृष्ण जन्मभूमि मामले में हुई सुनवाई, ये बड़ी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में
मामले की सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने आपत्ति दाखिल करने का वक्त दिया है। सभी पक्षों की हाईकोर्ट ने समय दिया है। 22 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। प्रयागराज से ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे। कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई हुई है, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने आपत्ति दाखिल करने का वक्त दिया है। सभी पक्षों को हाईकोर्ट ने समय दिया है, ये बड़ी जानकारी। अब 22 फरवरी को अगली सुनवाई होगी कृष्ण जन्मभूमि मामले में। तो आपको बता दें कि आज कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई चल रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने आपत्ति दाखिल करने का वक्त दिया है। सभी पक्षों को हाईकोर्ट से समय दिया गया है। अब ये सुनवाई 22 फरवरी को होगी। तो ये प्रयागराज से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।